दोस्तों स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर पे और शाम के अभी 5 बज रहा है अभी, तो ये मैं आ गया छत पे। और दोस्तों अभी जो है ना, इधर देख सकते हैं गेहूँ पसारा हुआ है, तो इसको जमा कर रहे हैं, यहाँ करके बाहर के एक तो जमा करेंगे, बोरा में उठाएंगे। और आज जो है दोस्तों हवा चल रहा है और धूप कराकर नहीं है लेकिन गर्मी है। तो आ गया हूँ दोस्तों लगभग 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास आया हूँ। ऐसे वहाँ से जो है ना गया हुआ था सरवन के मामा के यहाँ, तो वहाँ से आया लगभग 3:30 बजे, चला हूँ 12 बजे ही, लेकिन आते आते रास्ता में पंचर हो गया गाड़ी, तो लगभग 1 किलोमीटर तक गुड़काना पड़ा है। और क्योंकि दोस्तों इसलिए पंचर हो जाता है बार बार कि ट्यूर जो है ना, ट्यूर एक बार पंचर हो गया था, तो मेरा भाई गया था चूरा कुटाने, तो वो जो है ना उसको जिस मतलब साइज का ट्यूर है, टायर है, उस साइज का मतलब ट्यूर नहीं मिला, बड़का और भारी का ट्यूर जो है ना उसमें लगा दिया है, तो फालतू ज़्यादा हो गया, इतना फालतू हो गया है, इसके वजह से वहाँ पे मुड़ा आ जाता है, वहीं पे पंचर हो जाता है। तो 2 पंचर हो गया था, तो पंचर बनाने में हमको लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा समय लगा है, 2 पंचर था। और उसके बाद में परेशानी हुआ है आते आते रास्ते में, और उसके बाद में अभी 3:30 बजे आया हूँ, तो गमछा कटिंग किया हूँ, उसके बाद में भी आ गया हूँ गेहूँ जमा करने। चलिए गेहूँ जमा करते हैं। और दोस्तों हमारे लाइफ में 3 दिन में जो घटना हुआ है उससे मुझे क्या सबक मिला है, उसके हिसाब से आप लोगों के बीच में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो बात यह हुआ है दोस्तों कि जब भी आप काम करते हैं अच्छा काम होने लगता है, तो जो है ना बहुत तरह के परेशानियाँ आने लगता है, परेशानी बधाई, इसको बधाई बोल सकते हैं, आपके घर से हो, पड़ोसी से हो या रिश्तेदार से हो, कहीं से भी कोई ना कोई बाधा आने लगता है। और कोई बाधा ना आएगा तो कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाएगा, भगवान भी जांच करते रहता है कि अच्छा काम कर रहा है तो पूरे फोकस के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा से फेरी भी हो रहा था, लेकिन एक दिन फोन मतलब बार बार फोन आ रहा था कि और, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं चला गया उसको जो सामान था देने सरवन की मम्मी को, तो नाइटी था और जो गहना वहना था वो सब देने चला गया। वहाँ गया तो एक दिन रुकने का मतलब है कि रुके तो साला साहब जो थे बड़ा वाला, वो बोलते हैं कि हमारा गाड़ी ख़राब हो गया है कि रुको एक दिन, कि हमको कहीं जाना है, आते हैं तो जाइएगा, तो रुक गए। तो आज आए हैं दोस्तों लगभग 2 दिन बाद। तो यही हमने सीखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कि कभी भी पूरे फोकस के साथ कोई भी काम करो, और पूरी तरह से जो है ना मजबूत लक्ष्य होना चाहिए, पूरी फोकस उस काम पे होना चाहिए, तो काम अच्छा होगा और उसमें सक्सेस मिलेगा, नहीं तो थोड़ा भी भटकेगा मन, और दूसरे के बात में अगर थोड़ा भी आ जाते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी सी बात है, थोड़ा सा बात है, उस कारण हम जो है ना फोकस नहीं हो पाए, इसकी वजह से 3-4 दिन काज भी हो गए और कमाई गया से अलग, खर्च हुआ से अलग। तो इसलिए दोस्तों फोकस के साथ काम किया करें। और साथ ही साथ एक और बात दोस्तों कि आप जब भी खाली रहते हैं ना, तो हर तरफ से जो है ना कोई आपको काम आता रहेगा, कहीं ना कहीं जाने के लिए या कोई भी काम आपको आता रहेगा। कहते हैं ना कि अगर खुद को व्यस्त नहीं रखोगे तो दूसरे आपको व्यस्त कर देगा वो अपने काम के लिए, या ये कह सकते हैं कि अगर खुद अपने समय का, अपने आपका यूज नहीं करेंगे, अच्छे से यूज नहीं करेंगे अपने काम का, समय का या अपने शरीर का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे आदमी जो है ना अपने काम के लिए आपको यूज कर लेगा, आपके समय का यूज कर लेगा। तो इसलिए सतर्क रहें और अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें अपने कामों में तो अच्छा है, नहीं तो जब भी आप खाली बैठेंगे तो निगेटिव बात तो आएगा ही, निगेटिव बात की वजह से जो है ना काम अच्छा तो नहीं होगा, और साथ ही साथ दूसरा यूज भी कर लेगा आपको, समय का भी आपको भी। इसलिए खुद को व्यस्त रहना चाहिए, किसी भी काम में व्यस्त रहो, अपने आप में व्यस्त रहो, क्योंकि जब आप व्यस्त रहेंगे तो कोई आपको टोकने भी नहीं आएगा कि कहीं जाना है, या दूसरे को बुला लेगा, या दूसरा कोई खाली रहेगा उसको बोलेगा कि हाँ ये काम कर दो थोड़ा, यहाँ चले जाओ थोड़ा। लेकिन जब आप काम में बिजी रहोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब सोचेगा कि ये काम कर रहा है तो जो काम कर रहा है उसको क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन अपना जो खास जो ज़्यादा आपको प्यारा रहता है वही जो है ना
आपको काम में बाधा होता है, जब काम आपका अच्छा चलने लगता है। तो इसलिए जब काम कर रहे थे फोकस के साथ कीजिए। और दूसरी बात कि आप मजबूत लक्ष्य बनाकर पूरी फोकस के साथ काम कीजिए। और दूसरी बात ये कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, ताकि आपको कोई अपने काम के लिए व्यस्त ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे लाइफ से ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। आपको इससे क्या फ़ायदा मिला, क्या कुछ नॉलेज मिला या नहीं, ये भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं, ये जमा करते हैं। और अभी शाम हो गया है, तो माल उल तो सारा हो ही गया है, सरिया ही लिया हूँ। और अभी चलते हैं, गमछा भी काटे लिया हूँ। कल सुबह से फिर फेरिया स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में। अगर लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फेरी वाला रिलेटेड और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ा सबक आप सभी के बीच में मैं लाता रहूँगा, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। अभी इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।